हेलो फ्रेंड, देखिए आज हम आपके लिए लाए हैं ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये बनकर स्वेटर या जब इसको डालेंगे स्वेटर में, शॉल में आप इसको डालेंगे तो बहुत ही प्यारा बनकर आता है। इसको बनाना बहुत आसान है, बड़ी आसानी से ये बन जाता है। ये 3 के मल्टीपल से डिज़ाइन बनता है फ्रेंड। 3 3 3 3 इस तरह से आप जब भी अपने इसको प्रोजेक्ट में डालेंगे तो 3 के मल्टीपल से फंदे लेंगे प्लस उसमें एक और एक्स्ट्रा करेंगे, तो 3 मल्टीपल प्लस 1। आप इस तरह से अपने प्रोजेक्ट में इसको जब भी आप डालेंगे तो आप फंदे इसी तरह से लेंगे। ये 2 सिलाइयों का ही डिज़ाइन है फ्रेंड। 2 सिलाइयों में ही ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप एक बार इसको अपने स्वेटर या किसी चीज़ में डालकर जरूर देखिए। आप चाहें तो इसका खाली बॉर्डर भी बना सकते हैं या फिर चाहें तो इसको पूरे स्वेटर में भी आप डाल सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आइए देखते हैं इस डिज़ाइन को हम कैसे डालते हैं। तो फ्रेंड, हमने आपको बताने के लिए इसमें 3 के मल्टीपल प्लस 1 इस तरह से करके इसमें 16 फंदे लिए हुए हैं। 16 फंदे हैं। आप जब भी अपने इस डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे तो एक हमारी बेसिक रो एक्स्ट्रा बुनी जाती है, मतलब उल्टी साइड से हम एक रो एक्स्ट्रा बुनेंगे। तो ये वही है, आप उल्टी साइड से ही स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद इतना ही पैटर्न आपको पूरी सिलाई में रिपीट करना है। ये रिपीट पैटर्न है इतना। धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे, फिर से 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। लास्ट वाला फंदा हमारा, इसको भी हम उल्टा वही बुनेंगे। अब हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो है डिज़ाइन की, वो हमारी बेसिक रो थी जो दोबारा हमें नहीं बुननी है, बस पहली बार बुनी थी हमने, अब दोबारा नहीं बनानी है उसको। पहला फंदा आप चाहे तो बुन लीजिए, चाहे तो ऐसे उतार लीजिए, ये आपकी मर्जी। फिर 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे बना लिए हमने, धागा पीछे करेंगे। अब ये देखिए, ये जो ये फंदा है इसके पास में ये जो धागा है इसको उठाकर हम इस सिलाई में इस तरह से करेंगे और इसको बुनेंगे सीधा। इस फंदे को सीधा बुनेंगे और ये जो फंदा है इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से इस फंदे को हम उठाएंगे, सिलाई में करेंगे और इसको हम सीधा बुनेंगे। और इस फंदे को हम नहीं बुनेंगे, ऐसे ही सिलाई में स्लिप कर लेंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से 1 फंदा उठाएंगे इस तरह से और इसको सीधा बुनेंगे। इस फंदे को नहीं बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, इस फंदे को इस तरह से उठाएंगे और सीधा बुनेंगे। इस फंदे को नहीं बुनेंगे, जो हमारा सीधा फंदा है इसको नहीं बुनेंगे हम। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, लास्ट वाला फंदा इसको हम सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। सेकंड रो उल्टी साइड से। पहला फंदा हमारा हमने उल्टा बुना, धागा पीछे करेंगे। ये 2 फंदे हमारे सीधे दिख रहे हैं, हम इनको सीधा बुनेंगे। अब ये जो फंदे 2 उल्टे हमें दिख रहे हैं, इन 2 फंदों को हम एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और दोनों फंदों का हम 1 फंदा बना देंगे इस तरह से। तो ये तो हमने फंदा साइड वाला है, इसको छोड़ देंगे आप। तो इतना ही पैटर्न हमें पूरी सिलाई में रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे और 2 का 1 बना देना है। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर से इन 2 फंदों का हम 1 फंदा बनाएंगे। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से 2 फंदे का 1 फंदा,
धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदों का एक फंदा, धागा पीछे, दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब देखिए राइट साइड में ये थर्ड रो है हमारी। राइट साइड से जब हम बुनेंगे थर्ड रो तो थोड़ी सी अलग होती है, जैसे कि हमने पहले ये फंदा सीधा वाला जहाँ पे था वहाँ के पास से हमने धागा से फंदे उठाया था, पर इस बार थोड़ा अलग है। तो आप एक सिलाई और देख लीजिए, पहला फंदा आपकी मर्जी, आप चाहे बुन लीजिए चाहे उतार लीजिए, दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये जो फंदा है इसके पास में ये दूसरा फंदा जो पीछे के लिए दिख रहा है, अब हम इसको उठाएंगे, हर बार इसी तरह से उठाकर इसको हम सीधा बुनेंगे, इस फंदे को नहीं बुनेंगे। धागा अपनी तरफ, दो फंदे सीधे उल्टे, सॉरी दो फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे करेंगे। फिर से देखिए ये जो इसके पीछे फंदा है इसको हम उठाएंगे इस तरह से सिलाई में और इसको सीधा बुनेंगे, इस फंदे को हम नहीं बुनेंगे, ऐसे उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। फिर से देखिए इस फंदे को, ये जो पीछे के लिए, इसको उठाएंगे इस तरह से और सीधा बुनेंगे और इस फंदे को नहीं बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। फिर से इस फंदे को उठाया और इसको सीधा बुनेंगे, ये फंदा नहीं बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, लास्ट वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे। उल्टी सिलाई जैसे कि पहले निकाली थी उसी तरह से निकाली जाएगी। पहला फंदा हमने उल्टा बुन लिया, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, और ये जो दो फंदे हैं इनका हमें एक बना देना है, दो फंदों का एक फंदा, फिर दो फंदे सीधे, धागा घुमाकर, और ये जो दो फंदे दिखते हैं ना उल्टे उल्टे से, इनको हमें एक बना देना है, दो का एक फंदा और दो फंदे सीधे। पूरी सिलाई को हमें उल्टी तरफ से इसी तरह से बुनना है, हर बार हमारी उल्टी सिलाई इसी तरह से बुनी जाएगी। जो दो फंदे हैं उनका एक बना देना, जो सीधे सीधे हैं इनको हमें सीधा ही बुनना है। तो देखिए फ्रेंड हमारी डिज़ाइन बनने लगी है। आप जब भी अपने प्रोजेक्ट में इसको डालेंगे तो इसी तरह से डालिए और यही आप सिलाइयाँ रिपीट करते चले जाएंगे बाद वाली, और आपका प्रोजेक्ट बनकर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।